Assalamualaikum dear students, hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. This is your SST teacher and today we are going to read out the new chapter, our festivals. It's chapter number 7 and page number 33. So students, let's get started. What do you mean by our festivals? Festivals का मतलब होता है हमारे त्योहार. जो भी हम त्योहार festivals मनाते हैं या जो हम बताते हैं बड़े दिन होते हैं हम उनको festivals कहते हैं. इंडिया जो है वो लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया जो है ये एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे हर किसी मजहब के लोग रहते हैं, हर किसी जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं. और इंडिया में जो लोग हैं वो फेस्टिवल्स मनाते हैं अलग अलग किस्म के. जैसे मुसलमानों का फेस्टिवल होता है ईद उल फित्र और ईद उल जुहा जो हमारा फेस्टिवल है. जो हिंदू लोग होते हैं उनका फेस्टिवल होता है दशहरा, दिवाली, होली और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. इसी तरह से सिखों का होता है गुरुपुरब और जो क्रिश्चियंस हैं उनका क्रिसमस होता है. तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है. क्योंकि हर आए दिन किसी ना किसी दिन कोई ना कोई फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं. जब भी हम कोई फेस्टिवल या त्योहार मनाते हैं उस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और उस दिन हमारे घर में अच्छी डिशेस बनाई जाती है. जैसे आप देखोगे ईद है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में, तो आपकी मामा कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाएगी और आपके अच्छे कपड़े आप पहनेंगे और अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे और वो आपके घर आएंगे, आपस में गिफ्ट शेयर करेंगे, ईदी लेंगे. तो असल में ये जो फेस्टिवल होते हैं ये खुशी का दिन होता है. खुशी का दिन क्यों? क्योंकि इस दिन हम खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं और इसीलिए फेस्टिवल्स का अगर हम दूसरा नाम बोलेंगे ये खुशियों भरा दिन होता है. लेकिन इंडिया में जो फेस्टिवल्स है बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स है जो नेशनल फेस्टिवल्स इनका कहा जाता है. नेशनल फेस्टिवल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरा नेशन या पूरी कंट्री उनको सेलिब्रेट करती है. वैसे उनका मजहब कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो उनके लिए मायने नहीं रखता है कि उनका मजहब क्या है, लेकिन एज अ नेशन एज अ कंट्री वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे की. इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी का दिन. ये वो दिन है जिस दिन इंडिया आजाद हुआ. किस दिन हुआ? 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ. किन के रूल से आजाद हुआ? ब्रिटिशर्स के रूल से. जो ब्रिटिशर्स थे यानी अंग्रेज थे उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया था और 200 साल उन्होंने इंडिया पे हुकूमत करी थी. उसके बाद बहुत लड़ने के बाद यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा लड़ा, लीडर्स ने लड़ा और उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि उसके बाद लड़ने के बाद 1947 में इंडिया आजाद हो गया. ब्रिटिशर्स अंग्रेज यहाँ से चले गए और वो दिन कौन सा था? 15 अगस्त. और इसी यादगार दिन में यही दिन याद करते हुए हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आजादी का दिन मनाते हैं. इस दिन क्या होता है? इस दिन हमें छुट्टी होती है, नेशन वाइड छुट्टी होती है. और उस दिन क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो फ्लैग होइस्ट करता है, मतलब लहराता है. कहाँ पे लहराता है? रेड फोर्ट लाल किले में, जो न्यू दिल्ली में है, जो दिल्ली में प्रेजेंट है वहां पे वो क्या करता है, झंडा लहराता है. और उससे क्या पता चलता है कि वो ये जो देश है ये आजाद हो गया है, अभी किसी के अंडर नहीं है. और इस दिन हम क्या करते हैं? इस दिन हम याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारी कौम के लिए जान दी, सेक्रीफाइस किया. बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए यानी इंडिया के लिए, बहुत सारे मुसलमान लीडर है, हिंदू लीडर्स है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी. किस लिए? ताकि हमारी कंट्री आजाद हो जाए. और यही दिन हम यादगार के तौर पर मनाते हैं. कहाँ पे? 15 अगस्त 1947 का ये दिन हम मनाते हैं इंडिया में हर साल. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द नेशनल फेस्टिवल, दैट इज रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे हम हर साल 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है, देखिए जो हमारी कंट्री इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का बनी 1950 में. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि हमारी जो कंट्री है अब उसको वो अथॉरिटी मिली कि वो आपकी गवर्नमेंट खुद चुन सकती है,
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो लीडर्स होते हैं, जिनको हम वोटिंग के थ्रू चुनते हैं, फिर वो हम पे रूल करते हैं, हमारी जितनी भी परेशानी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते हैं, हम उनको रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। इससे पहले क्या था, 1950 से पहले इंडिया जो था, 47 से पहले ये गुलाम मुल्क था, ये ब्रिटिशर्स के अंडर था। 1947 में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया इंडिपेंडेंट उसने हासिल करी, वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई ब्रिटिशर्स से, और 1950 में उसने अपनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बन गया, यानी उसने अपनी जो कंट्री है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुना, इलेक्ट किया वोटिंग के थ्रू। इसीलिए ये दिन यादगार के तौर पर मनाया जाता है हर साल 26 जनवरी को, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो दिल्ली में होता है, विजय चौक राजपथ में। राजपथ एक जगह है जहां पे स्पेशल परेड होती है। परेड आपको पता है, जब आर्मी फोर्सेस लोग वगैरह ग्रुप में चलते हैं, सैल्यूट करते हैं, उसको हम परेड बोलते हैं। और जो परेड है वो विजय चौक राजपथ में हर साल होती है 26 जनवरी को न्यू दिल्ली में। कहते हैं कि ये जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, इसमें पुलिस फोर्स, आर्मी, स्कूल के बच्चे, हर कोई हिस्सा लेता है इस परेड में, और वो कलरफुल ड्रेसेस पहन के आते हैं। यानी जो जो उनका फंक्शन होता है, कोई किसी हिसाब से डांस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर के जो लोग हैं अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, या जेएनके के लोग हैं वो कश्मीरी, जो हमारा जो ड्रेस है यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहनते हैं। इस तरह गुजरात के, महाराष्ट्र के पुलिस वाले या आर्मी वाले जो है वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और वो क्या सैल्यूट करते हैं, चलते हैं, परेड करते हैं राजपथ में। कहते हैं कि जो चिल्ड्रंस है उनको ब्रेवरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ब्रेवरी अवार्ड्स क्या होते हैं, बहादुरी के अवार्ड्स, इनाम दिए जाते हैं किन बच्चों को, जो एलिफेंट्स में आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना परेड में, वो हाथियों पे आते हैं, हाथी पे बैठ के आते हैं, तो उनको ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते हैं, बहादुरी के इनाम मिलते हैं। टैबलेट्स जो है वो डिफरेंट स्टेट से आते हैं। रिपब्लिक डे में हम देखते हैं परेड में टैबलेट्स का मतलब है, समझो ये गाड़ी जैसी होती है, उसके ऊपर हर कोई स्टेट अपने अपने स्टेट के जो फेमस फेमस चीजें हैं, जैसे कश्मीर का उसमें बना के होती है स्टेचूज वगैरह, या कोई महात्मा गांधी का स्टेचू बना के लाता है, और वो किसमें फिराते हैं, वो परेड में ना चलाते हैं वो टैबलेट्स, उसको टैबलेट्स बोलते हैं। और हर किसी स्टेट से लोग अपने अपने टैबलेट्स जो है वो तैयार करके आते हैं। कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो टेक सैल्यूट, यानी जब झंडा लहराया जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो सैल्यूट करता है, और जो आर्मी मेंबर्स होते हैं वो भी सैल्यूट करते हैं। कहते हैं कि ऑल गवर्नमेंट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स आर लाइटेड टेस्टफुली, जितनी भी गवर्नमेंट या पब्लिक बिल्डिंग्स है वो क्या की जाती है, उसको लाइटिंग की जाती है, क्योंकि ये हमारे खुशी का दिन है, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और होल नेशन सेलिब्रेट करता है, वेदर हिज्म हिंदू मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन, हर कोई तबके का जो है वो सेलिब्रेट करता है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। और इस दिन हम खुशी मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे में, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिशर्स से, और 1950 का जो दिन है रिपब्लिक डे वो मनाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया 1950 को। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है उस दिन से इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट चुनना स्टार्ट किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनना स्टार्ट किया, और इलेक्शन उस टाइम से स्टार्ट हो गया। सो चिल्ड्रंस, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।